किरण्स किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ किरण और आज मैं आप लोगों के सामने जो रेसिपी लेकर के आई हूँ वह है कलाकंद रेसिपी, मिल्क केक रेसिपी, जो कि मैं बिल्कुल प्योर दूध का बनाने जा रही हूँ और ये खाने में बिल्कुल बाजार के जैसा लगेगा। अगर आप इसे एक बार अपने घर पे बना लीजिएगा तो दोस्तों आपको इसे बार बार बनाने का मन होगा, क्योंकि जो बाज़ार से लेकर के आते हैं बहुत लोग उसमें बहुत कुछ मिला देते हैं, मिलावटी होता है। लेकिन अगर आप इसे घर पे बनाएंगे तो ये प्योर मिल्क प्योर दूध का बनाने जा रही हूँ और बहुत ही अच्छा बनेगा, दानेदार बन रहा है कलाकंद। आपको बहुत ही ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी, और अगर पसंद आएगी तो अभी तक अगर आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए साथ के साथ, ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं आपको वीडियो की ओर ले चलती हूँ। वीडियो में मैंने देखिए सबसे पहले 2 kg मिल्क लिया है, 2 किलो दूध लिया है, प्योर फुल क्रीम वाला मैंने दूध लिया है। इसको मैंने पहले ही एक बॉयल करके रखा हुआ है, तो इसे हमें सबसे पहले अच्छे से गर्म करना है, फुल हाई फ्लेम पे बनाना है हमें मिल्क केक की रेसिपी। तो इसे हमें अच्छे से हाई फ्लेम पे आधा घंटा तक लगभग इसे चलाते हुए, इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है, जब तक कि इसकी क्वांटिटी बिल्कुल हाफ ना हो जाए, तब तक इसे हमें कंटिन्यू इसे हर दो दो तीन तीन मिनट पे इस तरह से चलाते हुए पकाना है। ध्यान रखें कि अंदर से ये जले नहीं, चिपके नहीं, इसके लिए आप नॉनस्टिक का ये बर्तन ले सकते हैं, नॉनस्टिक के बर्तन में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो आधा घंटा तक पकाने के बाद ये देखिए बहुत ही कम क्वांटिटी, आधी क्वांटिटी रह गई है, तो और भी इसे हमें कुछ देर तक पकाना है, कंटिन्यू पकाते रहे। पानी की मात्रा जब कम हो जाए, थिकनेस थोड़ा हो जाए, तो इसमें हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो क्वांटिटी देखिए हमारा आधा से भी कम हो गया है, तो मैंने देखिए ये नींबू का 1 चम्मच नींबू के रस में मैंने 2 चम्मच पानी मिला करके इसमें मिला दिया है, ताकि ये फट जाए और दानेदार हमारा कलाकंद बने। इसकी जगह आप विनेगर यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच नींबू के रस में 2 चम्मच पानी मिला के डालिएगा तो ये हल्का फट जाएगा और दानेदार हमारा कलाकंद बनेगा। तो ये देखिए दानेदार हो चुका है, इसे और कंटिन्यू पकाना है हमें इसे। अब इसमें हम 1 कप के आसपास चीनी डाल दीजिए। चीनी आप अपने मीठा के हिसाब से रख सकते हैं, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से कम और ज़्यादा रख सकते हैं चीनी। चीनी मिलाने के बाद इसे कंटिन्यू हमें हिलाते हुए पकाना है। जब ये डो के जैसा दिखने लगे तो समझिए कि हमारा कलाकंद रेडी हो चुका है। तो बहुत ही कम समय में लगभग बन गया हमारा, ये देखिए डो के जैसा हो चुका है और ये पैन को भी बिल्कुल छोड़ दिया है। इसको पकाने में लगभग हमें 1 घंटा का टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ इसे बनाना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने एक स्टील का बर्तन लिया है, पहले से इसे मैंने ग्रीस कर लिया है घी के साथ। घी से लगाने के बाद क्या होगा कि जब हम इसमें इसको डालेंगे तो ये चिपकेगा नहीं अंदर से। तो सारा कलाकंद, रेडी किया हुआ कलाकंद इस वाले बर्तन में डाल करके छलनी की सहायता से इस तरह से आप सेट कर दीजिए और इसे हमें 24 घंटे तक रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। 15 से 20 घंटे हो चुके हैं, 15 से 20 घंटे के बाद आप चेक कर सकते हैं, अगर ये सेट हो जाता है तब भी आप इसे काट सकते हैं। तो मैंने 15 से 20 घंटे ही देख रखा है, आप अगर सेट ना हो तो और कुछ देर रख सकते हैं, 4-5 घंटे। ये देखिए मैंने इसके साइड अलग कर दिए हैं। अब थोड़ा देर नीचे से क्या करें, गैस पे 15 से 20 सेकंड रखिए इस तरह से, तो ये नीचे घी जो है वो पिघल जाएगा और ये फिर आसानी से बाहर निकल के आ जाएगा। अब इसे एक प्लेट में इस तरह से पलट करके निकाल लीजिए, थोड़ा सा हाथ की सहायता इस तरह से ठोकिएगा तो ये बाहर आ जाएगा।
तो ये देखिए हमारा कलाकंद बाहर आ चुका है, तो इसे अब हम कट कर लेते हैं नाइफ की सहायता से, चाकू की सहायता से। जिस वाले शेप में आप काटना चाहते हैं वैसे शेप में इसे काट लीजिए। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है, इस साइड से भी काट लीजिए। तो ये देखिए हमारा दानेदार बहुत ही अच्छा दिख रहा है, पूरा दानेदार बना है। और इस तरह से आप डेकोरेट कर लीजिए एक प्लेट में सर्व करने के लिए, और गार्निश कर दीजिए इसे आप किसी भी ड्राई फ्रूट्स के साथ। मैंने ये वाटरमेलन सीड्स यानी कि खरबूज का दाना लिया है, तरबूज का। आप इसे पीनट्स, काजू, पिस्ता, बादाम किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। तो आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो अपना अमूल्य फीडबैक जरूर शेयर करें मेरे साथ। इसके लिए आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और अभी तक अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ के साथ बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का आपको, आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए और अंतिम तक मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।